हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरुण, आज मैं करने वाली हूँ अपनी हेयर की कटिंग। और ये हेयर की कटिंग मैं इसलिए कर रही हूँ, एक वीडियो ट्रेंड में चल रही है इंस्टाग्राम यूट्यूब, तो मैंने सोचा मैं भी ये जो कटिंग है अपने बालों में करके देखूँ और क्या ये सच में ट्रेंडिंग वीडियो काम करती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेयर कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें ली हैं, एक कॉम्ब, सीजर और ये स्प्रे बोतल है। इसमें मैंने पानी कर लिया है। अब मैं अपने बालों में से क्लेचर को निकाल दूंगी और मेरे बाल जो हैं थोड़े से गीले हैं क्योंकि मैंने बालों को धो लिया था क्योंकि मुझे कटिंग करनी थी। और अब मैं यहाँ पे ये बीच की मांग निकाल लूँगी। जैसा वीडियो में दिखाया गया है मैं उतने ही बालों को लूँगी। पहले मैं एक साइड से बालों को निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने बालों को निकाल लिया है एंड वीडियो में फ्रंट की हेयर कटिंग है ये, तो यहाँ पे ये देखिए इतने ही बाल आपने लेने हैं जब भी आप कटिंग करें। और अब मैं दूसरी साइड से बालों को निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड से बालों को निकाल लिया है। और जो मेरे पीछे के बाल हैं ना, पीछे करके मैं उन बालों में क्लेचर लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्लेचर को भी लगा लिया है और ये मेरे जो बाल हैं फ्रंट के ये मैंने निकाल लिया। मुझे लग रहा था एक साइड से थोड़े से ज़्यादा बाल थे तो मैंने उन्हें बैक में करके क्लेचर में लगा दिया है। अभी मुझे जितने बालों में कटिंग करनी है मैंने उतने बालों को निकाल लिया है जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। और अब मैंने अच्छे से कॉम कर लूँगी। देन मैं जो मेरे हेयर है ना मैं उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में कर लूँगी जैसा कि वीडियो में आपने देखा होगा। और अपोजिट डायरेक्शन में करने के बाद मैं यहाँ पे ये टिक टैक लगा दूँगी एक साइड से, थोड़ा सा इजी हो जाता है ऐसा करने से। और अब मैं एक साइड के जो बाल हैं मैंने अपोजिट डायरेक्शन में जो करे हैं उन्हें मैं जॉ लाइन तक ले करके आऊँगी, ये देखिए। एंड हाँ, कटिंग करने से पहले बालों को हल्का सा गीला ज़रूर कर लेना। मैंने अपने बालों को गीला कर लिया था बट वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई मेरी। और अब मैं यहाँ पे सीज़र लेकर के जितने मैंने बालों को हैंड में पकड़ा हुआ है जॉ लाइन तक मैं उन्हें कट कर दूंगी। ये देखिए मैंने बालों को कट कर लिया है और इतने बाल मेरे कटिंग में गए हैं। और अब मैं जो मैंने कटिंग किया है ना बालों को उन्हें मैं फिंगर में लेकर के हल्का हल्का जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना उन्हें मैं कट कर दूंगी। अब मैं दूसरी साइड के बालों को टिक टैक से निकाल लूँगी। और यहाँ पे मेरे एक साइड के बालों में कटिंग हो गई है। अब जो दूसरी साइड के बाल हैं मैं उनमें अच्छे से कॉम कर लूँगी पहले और हल्का सा वाटर से स्प्रे कर लूँगी जिससे हल्के से बाल गीले हो जाएं मेरे। और फिर से मैं कॉम कर लूँगी बालों को। आप कॉम अच्छे से करना जिससे जो बाल हल्के फुल्के रह जाते हैं वो कटिंग में ना रहें। और अब मैं जॉ लाइन तक बालों को लेकर के फिर से मैं बालों को कट कर दूँगी। ये देखिए मैंने दूसरी साइड के बालों को भी कट कर लिया है और यहाँ पे मेरी जो कटिंग है वो हो गई है। ये देखिए फ्रंट की कटिंग जिस तरीके से जो टिकटॉक की जो वायरल वीडियो है उस तरीके से मैंने ये कटिंग करी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये ट्रिक, इससे काफ़ी अच्छी कटिंग हुई थी। और अब मैं सारे बालों को ले करके फिंगर में अच्छे से कॉम करूँगी और जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना आपके हल्के फुलके रह जाते हैं उन्हें हल्का सा कट करके और हल्की फुल्की जो नीचे से सीजर चलाते हैं ना वो चलाऊंगी मैं। इससे जो आपकी कटिंग है ना वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रंट से कर लिया है और एक्स्ट्रा बालों को मैंने निकाल दिया है। ये देखिए मेरी कटिंग, मुझे ये कटिंग काफ़ी पसंद आई। आप भी इस कटिंग को ट्राई कर सकते हैं। अब मैं बालों में से क्लेचर को निकाल दूंगी और अब मैं कटिंग को दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये जो वायरल कटिंग है ना हेयर की ये काफ़ी हेल्पफुल है, ये आप देख सकते हैं। मुझे काफ़ी पसंद आई थी ये और इससे मेरे आगे का जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज भी हो गया था।
मुझे है ना आगे के बालों में थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, एंड जो मेरे ईयर तक के बाल हैं ना वो मैंने आगे से निकाल लिए हैं दोनों साइड से, और मुझे इन्हीं बालों में कटिंग करनी है जिससे जो आगे का जो लुक है ना मेरा और अच्छा दिखेगा। एंड ये जो कटिंग मैं कर रही हूँ ना ये कोई वायरल वीडियो वाली कटिंग नहीं है, जो वायरल वीडियो वाली कटिंग थी मैंने वो आपको पहले करके दिखा दी है। मुझे अपने बालों में आगे से थोड़ी सी कटिंग करनी थी तो इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा बालों में कटिंग कर रही हूँ। तो ये कटिंग भी आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत कटिंग आती है। यहाँ पे जो मेरे एक्स्ट्रा बाल मैंने निकाले हैं उनमें मैंने वाटर से स्प्रे कर लिया है, और अब मैं कॉम कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा बाल मैंने कटिंग के लिए निकाले हैं उन बालों में। एंड अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो मैंने पहले कटिंग करी है ना फ्रंट से, तो उसकी जो लास्ट लेंथ है बालों की मैं उसी के डायरेक्शन में ये कटिंग को करूँगी। तो यहाँ पे जो लास्ट डायरेक्शन ख़त्म होगी मैं उसी के डायरेक्शन में तिरछी कटिंग कर दूँगी बालों में, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे ये देखिए मेरी कटिंग हो गई है, और अब मैं दूसरी साइड भी कटिंग कर रही हूँ। इधर भी मैं सेम कटिंग करूँगी जैसे मैंने पहली वाली करी है, और यहाँ पे मैंने सारे बालों को फिंगर में पकड़ लिया है, और जो मेरी फ्रंट की कटिंग की लास्ट लेंथ है ना उसी के डायरेक्शन में मैं सीज़र से बालों को कट कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने बालों को कट कर दिया है, और यहाँ पे मेरी ये कटिंग देखिए। और अब मैं बालों को पीछे से खोल लेती हूँ और अब आपको फुल कटिंग दिखाती हूँ मैं फ्रंट की। तो ये देखिए एंड मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरी कटिंग। अगर आप भी ऐसी ही कटिंग करना चाहें अपने आगे से बालों में तो आप कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।